तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मखाने की खीर, क्योंकि नवरात्र में मखाने की खीर खाई जाती है। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं बहुत ही अच्छे होगे। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई रखते हैं, इसमें डालेंगे देसी घी। तो मैंने 1 चम्मच जितना देसी घी डाला हुआ है, इसको थोड़ा सा गरम हो जाने देते हैं, हल्का सा गरम करना है। इसमें हम डालेंगे छुहारे, तो मैंने 4 छुहारे लिए हुए, उनको गुठली निकाल करके इस तरीके से कट कर दिया, और साथ में इसमें काजू और बादाम को भी कट करके डाल देते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने डाला हुआ है मुनक्का। मुनक्का में मीठापन होता है और वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बीज निकाल लें, जब भी आप प्रयोग में लाएँ इनके बीज निकाल लें। तो इसमें हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि छुहारा और मुनक्का दोनों मीठे होते हैं। इससे ही इस खीर में मिठास आएगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो ये शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है यदि वो आप इस तरीके से बनाते हो। आप देख सकते हो कि मैंने ड्राई फ्रूट्स जो लिए हुए थे इनको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा था, हाई बिल्कुल नहीं रखा था, जिससे कि ये जले ना। अब मैंने क्या किया कि ये गरी ली हुई है, ये ताज़ी गरी है, तो इसको मैंने कद्दूकस से कस लिया है। वैसे आप चाहे तो इसके जो छिलका होता है ऊपर का ब्लैक कलर का वो हटा सकते हो, लेकिन मैंने उसको भी इसमें कद्दूकस कर लिया। थोड़ा सा इसको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि कढ़ाई में घी बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ 1 चम्मच घी से ही ये हमारी बढ़िया सी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे मखाने। तो आप देख सकते हो कि 1 कप भर करके मैंने मखाने डाल दिए हैं, और इनको अब हमें ड्राई रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम में ही इन्हें ड्राई रोस्ट करना। तो इस तरीके से चलाते हुए हम इनको भूनेंगे, और ये जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है, कुछ इस तरीके से चलाते हुए। आप देख सकते हो कि अभी ये मुलायम है, अच्छे से क्रिस्पी नहीं हुए हैं। तो जब तक ये क्रिस्पी नहीं होते हम बराबर इनको चलाते हुए इनको भूनेंगे। अब आप देख सकते हो कि बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं, पर अभी ये गर्म है। जब ये थोड़ा ठंडे होंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इनको हम क्या करते हैं कि थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, और अभी हम इनको चलाते रहेंगे जिससे कि ये तली में लगे ना, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और ये ठंडे हो जाएं। तो दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं यानी न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप चाहें तो देखिए गिलास से कुछ इसको इस तरीके से तोड़ सकते हो, बहुत ही जल्दी ये इस तरीके से टूट जाते हैं। और यदि आपके पास कोई थोड़ी सी वजनदार चीज़ है तो उससे भी इनको तोड़ सकते हो, आसानी से टूट जाएंगे। जब भी आप इनको इस तरीके से क्रश करें तो थोड़ा सा ठंडा कर लें, इसके बाद क्रश करें। आप देख सकते हो कि हमारे पास ये सिलबट्टा रखा हुआ था, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको क्रश कर लिया, क्योंकि यदि आप इनका फाइन पाउडर बना लेते हो तो ये जो खीर होती है वो खाने में नहीं अच्छी लगती है, पर जब आप इस तरीके से बनाते हो वैसे ये इसी तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से झटपट काम हो गया, इसको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, और खीर भी आपकी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो बस इसी तरीके से देखिए मैंने सब ये तोड़ लिए और झटपट ये टूट गए। आप कढ़ाई में ही कर लें इनको, क्योंकि ये उछलते हैं इधर उधर। यदि थाली या प्लेट में आप इनको रख करके तोड़ोगे तो ये उछलेंगे, और कढ़ाई में रख करके या किसी बड़े बर्तन पतीले में डाल करके इनको इस तरीके से तोड़ लें। बढ़िया से देखिए कितने बढ़िया हो गए, और अब हमारी खीर बनाने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। इसमें हम फुल क्रीम का दूध डाल देते हैं, तो हमने 1/2 लीटर जितना इसमें दूध डाला हुआ है, ये फुल क्रीम का, और साथ में ये गरम भी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि मलाई है। तो इसको मैंने अच्छे से गरम करके रख लिया था, और अब इसको हमें क्या करना कि बराबर चलाते हुए पकाना है कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हो कि पक नहीं रहे, अब ये बढ़िया से पकने लगे, तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम में ही इसे पकने देंगे, जिससे कि ये बढ़िया सा गाढ़ा हो जाए और खाने में ये खीर स्वादिष्ट लगे। अच्छी सी उबाल आ गई है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो मैंने सेलो फ्राई किए थे। अब हम क्या करते हैं कि इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से आप व्रत में खीर बना सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, सबको बहुत पसंद आएगी यदि इस तरीके से बनाओगे आप। क्योंकि जब आप इनको मिक्सी में झटपट काम करना चाहते हो और मिक्सी में पीस देते हो तो बहुत ज़्यादा वो पीस जाता है, और फिर इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं बनती है। साथ में यदि आप ये ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं इनको आप थोड़ा सा
भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तब आप डालेंगे तो भी इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें एक इलायची कूट करके मैंने डाल दिया है, और इलायची के जो छिलका है इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम डाल देते हैं चाय की पत्ती में, जिससे कि चाय भी हमारी बढ़िया सी स्वादिष्ट बनेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। किनारे से हम छुड़ा लेंगे जिससे कि ये किनारे में लगे ना और इसका स्वाद ख़राब ना हो। अब इसे हम थोड़ी सी, देखिए ये 2 चम्मच है जो जिससे सभी लोग खाना खाते हैं, बस वही चम्मच है, ये 2 चम्मच चीनी डाल दी है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यदि आप ना डालना चाहें तो ना डालें, क्योंकि इसमें जो मैंने छुहारे डाले हुए हैं और साथ में जो मुनक्का डाला हुआ है उससे इसमें मीठापन आ गया है। और ये पेट मुनक्का डालने से क्या होता है कि ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। अक्सर क्या होता है कि जब व्रत रहते हैं तो पेट में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, पर जब आप इसमें मुनक्का डाल देते हो तो आपका पेट भी सही रहता है और साथ में ये फायदेमंद भी बहुत होती है। आप देख सकते हो कि हमारी बढ़िया सी खीर बन करके तैयार हो गई है। और अब हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं 10 मिनट। बस ये हमारी खीर बन करके तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से ये खीर बना सकते हो, व्रत में बना सकते हो या बिना व्रत में बना सकते हो। बहुत ही पौष्टिक बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। यदि आप इस तरीके से खीर बनाओगे मखाने की तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हो कि रखने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है और बढ़िया सी अमेजिंग बन करके ये तैयार हो गई है। तो दोस्तों, इस खीर को आप व्रत में या बिना व्रत में खा सकते हो, हेल्दी है, टेस्टी है, साथ में इसको शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, सिर्फ इसमें चीनी ना डालें बस। तो जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो दोस्तों, आपको यदि ये हमारी मखाने की खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।